अमित राज जी ने और इसके लिरिक्स लिखे हैं मंदार चोलकर जी, दोनों के साथ मैं अक्सर काम कर चुका हूँ। बहुत ही गुणी म्यूजिशियंस हैं, बहुत ही अच्छे राइटर हैं और ये कैंडल मार्च ये फिल्म के लिए है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल रॉक सॉन्ग इन मराठी, सो द स्केल इज़ वेरी हाई, वेरी डिफिकल्ट टू सिंग एंड इसका डबिंग अभी हुआ एंड आई रियली होप दैट द पीपल लाइक दिस सॉन्ग बिकॉज इट्स अ वेरी यूनिक सॉन्ग इन मराठी एंड द वे इट्स कंपोज, द वे इट्स प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड, इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, लॉट ऑफ गिटार, लॉट ऑफ ड्रम्स, लॉट ऑफ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ रॉक बैलेड, सो बहुत मजा आया। मेरे तो हर तरह के गाने रहे हैं, इट्स बीन सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई एम सिंगिंग अ रॉक सॉन्ग इन मराठी, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। द वे यू यूज अ लिटिल बिट ऑफ ग्रंज एंड ऑल इन योर वॉइस, द वे यू नो यू सिंग अ रॉक सॉन्ग, सो दैट दैट उसमें क्या होता है, देन अलॉन्ग विद दैट यू पिच ऑल्सो परफेक्टली, सो डू टू डू अ परफेक्ट जॉब इट यू नो इट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड power in the song, so it's done that way, yeah. And I really thank them that they chose me to sing this song, it's really a challenge. Speaking, I've been singing for Marathi for almost now 10-12 years now, and so many of my songs have become so popular, so it's, and my wife is a Maharashtrian, so I'm used to, I consider myself, you know, more than 50% of me, or you can even say 60-70% of me is a Maharashtrian actually, because the culture, I'm very much used to the culture, the way people live, the people, what they eat, because my house is 50% Maharashtrian, so no, actually no, if you listen to the song, if you intake the words and you understand the meaning of the words, that itself has an emotion, so you should just convey the emotion in the song, it's as simple as that.